एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी गद्य खंड का जो दूसरा चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है ममता और जिसके लेखक कौन है, जय शंकर प्रसाद जी। तो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ममता नामक कहानी की सरल हिंदी व्याख्या। और इसके पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर का यहाँ से रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ममता ना मिली, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर ममता ना मिली, यहाँ तक की सरल हिंदी व्याख्या बता दी है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ से काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्फों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या पाठ कर रही थी? अनन्यासी चियंततो मा ये जनः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। पाठ रुक गया। जब उसने देखा कि एक भीषण और हताश आकृति मेरे दीप के सामने यानी दीप के प्रकाश के सामने आकर खड़ी हो गई है, तो स्त्री ने सोचा कि मैं अपने झोपड़ी के कपाट बंद कर दूं। लेकिन जैसे ही उसने कपाट दरवाजे बंद करना चाहा, उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ और इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं मुगल हूँ और चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर के उससे रक्षा चाहता हूँ और इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। क्या तुमने शेरशाह से युद्ध किया था? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, अर्थात वो घबरा गई। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता ने क्या कहा? परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। गला सूख रहा है, व्यक्ति कहने लगा कि गला मेरा सूख रहा है प्यास के कारण, मेरे साथी सभी छूट गए हैं और मेरा अश्रु गिर गया है, इतना थका हुआ हूँ। और इतनी बात कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, उसने उसे जल दिया तब जाके उसकी रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया।
घृणा से उसका मन क्या हो गया, विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं, स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब जब मुगल स्वस्थ हो गया तो उसने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं, स्त्री विचार कर रही थी, ममता क्या विचार कर रही थी कि मैं तो ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं यह विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। यह सब ममता सोच रही थी। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। मुगल ने अपनी तलवार टेकी और तलवार के सहारे वह उठकर खड़ा हो गया। तब ममता ने कहा, क्या आश्चर्य की बात है कि तुम भी छल करो, लेकिन तुम रुक जाओ। छल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंश धर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। उसने क्या कहा कि छल, मेरे वंश की यह परंपरा नहीं है कि मैं स्त्री से छल करूं या मेरे वंश के लोग स्त्रियों से छल करें। ठीक है, जाता हूँ, भाग्य की बात है, मुझे यहाँ रुकना ही ठीक नहीं है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है जो यह मेरे दुर्ग को जीत लेगा, यह झोपड़ी ही तो है मेरे पास, अगर लेगा तो यह झोपड़ी ही लेगा। तो उसने क्या कहा उससे कि जाओ, तुम भीतर जाओ, आराम कर लो, और मैं बाहर आराम करती हूँ, और मैं अपना धर्म निभाती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। ममता ने क्या किया, वह कहने लगी कि मैं तो ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन मैं तो अपना धर्म नहीं छोड़ने वाली। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में उसका महिमामयी मुखमंडल देखा और उसने मन ही मन ममता को प्रणाम किया, नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। जब प्रभात हुआ, सवेरा हुआ, तो खंडहर की संधि से ममता ने देखा तो क्या देखा कि सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। क्यों कोसने लगी कि शायद मैंने इसे आश्रय देकर के विपत्ति को मोल ले लिया है। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहां हूं। अब क्या देखा उसने कि उस झोपड़ी से वह पथिक निकला और उसने कहा कि मिर्जा मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वह चले गए। अब क्या हुआ कि अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। इतना शब्द सुनते ही सभी अश्वरोही प्रसन्न हो गए और वह प्रांत प्रसन्नता की चीत्कार से गूंज उठा। ममता और अधिक भयभीत हो गई। पथिक ने क्या कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। उसने कहा,
कहा कि वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव में चली गई। ममता छिपने के लिए और भी सचेष्ट हो गई और वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब वे लोग जाने लगे तो ममता ने सुना, क्या सुना, कि पथिक घोड़े पर सवार हुआ और कह रहा है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, हो सके तो उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ पर आराम पाया था, विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी और शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब कितने वर्ष की हो गई थी? 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का यानी ठंडी का प्रभात था, सवेरा था। उसका जीर्ण कंकाल शरीर खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन सहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। क्या हुआ कि ममता जल पीना चाह रही थी तो एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया और वह अपनी ही धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए, लेकिन वह बुढ़िया तो मर गई होगी, अब मैं किससे पूछूं कि एक दिन सहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे और यह घटना हुए तो 47 साल हो गए हैं। ममता ने अपनी विकल कानों से जब सुना तो उसने उस अश्वरोही को पास बुलवाया। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहनशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता ने कहा कि मैं यह नहीं जानती थी कि वह सहनशाह था या साधारण मुगल था, लेकिन एक दिन उसने इसी झोपड़ी के नीचे विश्राम पाया था और वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा भी दे चुका था, लेकिन मैं आजीवन अपनी इस झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। शायद भगवान ने मेरी सुन लिया और मैं आज इस झोपड़ी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम चाहे इसका मकान बनवाओ चाहे महल बनवाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वरोही आवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। वह अश्वरोही आवाक खड़ा था और बुढ़िया के प्राण पक्षी की तरह उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख क्या लगाया गया
कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं लिखवाया गया। तो ये थी ममता शीर्षक कहानी, जिसकी मैंने सरल हिंदी व्याख्या बता दी है। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो को न देखा हो, जिसमें मैंने ममता शीर्षक कहानी के पहले पार्ट को बताया है सरल हिंदी व्याख्या के रूप में, और इसके पहले के वीडियो में मैंने मित्रता, जी हाँ मैंने मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर है मित्रता, यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर है, इसकी सरल व्याख्या बताई है। आप उन वीडियो को भी देखें और उन्हें शेयर भी करें, तथा 2022-2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें और अपनी लगन और मेहनत से बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। जय हिंद।